आज की मेरी रेसिपी है पपीते की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, कसूरी मेथी, 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, उसे मैं इस चॉपर में काट लूँगी, पीसना नहीं है इसे। ये देखिए, हींग और मेथी का तड़का है सरसों के तेल में। पपीते को और आलू को आप उबाल लीजिए। 1 पपीता लिया है, 2-3 आलू लिए हैं, उसे उबाल के आप अलग काट के रख लीजिए। ये प्याज है जो चॉपर में मैंने काटी है, इसे मैं भून रही हूँ। ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, बहुत हल्का सा भूनना है, बस नरम करना है। बढ़िया मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी। ये देखिए, प्याज बिल्कुल भी लाल नहीं हुई है, बस नरम हुई थी। मैंने टमाटर डाल दिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें डालकर इसे भूनना है। ये 1/2 कप मलाई ली है मैंने, इस मलाई को डाल के अच्छे से भूनना है। ये पपीते की सब्ज़ी ऐसी है कि अगर आप पपीता नहीं खाते होंगे तब भी आप दोबारा ज़रूर बना के खाएंगे, अगर एक बार आपने खा लिया तो। ये देखिए, बॉयल किए हुए कटे हुए आलू हैं, 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे और 1 पपीता मैंने लिया है कच्चा। ये देखिए, काट के मैंने बॉयल कर लिया था, बड़े बड़े पीस में पपीते कटे हुए हैं। प्रेशर कर लिया था इसे, प्रेशर करने से पक गया। मसाला भूनने के बाद इसमें आलू और पपीते को डाल दिया है, लगभग इसमें 1/2 ग्लास पानी मैंने डालकर पकाया है। और ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। एक बार अगर आप खाएंगे इसे तो दूसरी बार आप ज़रूर बनाकर खाएंगे, आपे बहुत पसंद आने वाली है।